लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पांच तरह के लॉ होते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन जिसे हम लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल और कंबाइनिंग प्रोपोर्शन ऑफ वेट्स, एंड लास्ट इज गे-लुजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो पहले हम देखते हैं पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ वाज पुट फॉर बाय एंटोइन लेवाइजर इन 1789। ही परफॉर्म्ड केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फॉर कंबसन रिएक्शन एंड रीच्ड टू द कंक्लूजन दैट ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। हेंस ही रीच्ड टू द कंक्लूजन दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इस लॉ के माध्यम से ये पता चलता है कि जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो इनिशियली जो मास होता है, जितने भी केमिकल कंपाउंड हम लेते हैं और उनके रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, तो उन दोनों में मास चेंज नहीं होता है, यानी स्टार्टिंग में जो टोटल मास होगा वही रिएक्शन के बाद भी होगा, यानी मैटर कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इस लॉ का बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब इस लॉ का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ये पता चले कि कैसे मास को इनिशियली हमें ऐड करके पता करना है और प्रोडक्ट का भी, तो फिर दोनों को कैसे मैच करना है। ओके, तो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल हमने लिया है, इसमें दिया है कि 58 ग्राम ऑफ ब्यूटेन रिएक्ट्स विद 208 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 176 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें रिएक्टेंट को हम एक साइड लिख लेते हैं। ओके, तो इसमें रिएक्टेंट वो है जो रिएक्ट कर रहा है, यानी ब्यूटेन और ऑक्सीजन। ब्यूटेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ब्यूटेन का मास है 58 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का मास है 208 ग्राम। ओके, अब इधर हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या बनता है जब ब्यूटेन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है 176 ग्राम और वाटर 90 ग्राम। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा टोटल आएगा 266 ग्राम, और इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो आएगा 266 ग्राम। यानी मैटर इनिशियली जो था ब्यूटेन और ऑक्सीजन का, दोनों को अगर ऐड कर दें तो आएगा 266 ग्राम, और जब प्रोडक्ट बन जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, और इनका सम, इन दोनों के मास का सम भी 266 आ रहा है, यानी मैटर कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं हुआ है। इसका मतलब कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद देखते हैं दूसरा लॉ। अब आगे देखते हैं दूसरा लॉ, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कॉन्टेंस एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाई वेट। ओके, यानी अगर कोई कंपाउंड हम लिए हैं तो उसका जो रेशियो होगा एलिमेंट का बाई वेट, वो हर जगह कॉन्स्टेंट होगा, मीन्स हर जगह बराबर होगा। जैसे वाटर है, वाटर जब भी फॉर्म होगा वो H2O के फॉर्म में फॉर्म होगा, यानी H2O, हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1। ओके, यानी इसके जो एटम होंगे 2:1 में हमेशा कंबाइंड होंगे वाटर के। अगर मास के हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन का मास होता है 16 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। हाइड्रोजन का मास 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ओके, तो इसका रेशियो 8:1 होगा, यानी वाटर जो फॉर्म होगा वो हमेशा मास के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8:1 में फॉर्म होगा और एटम के हिसाब से 2:1 में। तो ये थे लॉ ऑफ डिफिनिट
प्रोपोर्शन। इसका यूज ये होता है कि अगर इसका प्रोपोर्शन जो है वो डिफिनिट है तो इसकी प्रॉपर्टी भी डिफिनिट होगी, यानी वाटर जो है हमेशा इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, चाहे कोई भी वाटर। अब इसके आगे देखते हैं तीसरा, नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वॉज प्रपोज बाय डाल्टन इन 1803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ओके, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बी है, ए बी टू, ए बी थ्री, इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें क्या है कि वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट यानी बी, ये ए से कंबाइंड हो रहा है, फिक्स्ड एलिमेंट है, ओके, तो इसमें बी टू हो गया, इसमें बी थ्री, यानी ए जो है वो हर जगह कांस्टेंट है, आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, यानी बी का जो रेशियो होगा हमेशा होल नंबर में होगा, जैसे सी ओ है, सी ओ टू है, कार्बन है जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन बी को, यानी कार्बन तो कांस्टेंट है, ऑक्सीजन का इसमें मास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसमें 32, तो इसका रेशियो क्या आ गया, 1:2, यानी रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ये होल नंबर का रेशियो है, यानी ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ओके। उसी तरह से और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे SO2, SO3, उसमें भी सल्फर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है, सल्फर कांस्टेंट है दोनों में, ऑक्सीजन वैरी करता है, तो ऑक्सीजन जो वैरी करेगा वो सिंपल होल नंबर में उसका रेशियो आएगा, ओके, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये लॉ डाल्टन के द्वारा दिया गया था। फोर्थ लॉ है गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। दिस लॉ वॉज गिवन बाई गे-लुजैक इन 1808। ही ऑब्जर्व दैट वेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें जो भी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ गैस वो सिंपल रेशियो में होगा बाई वॉल्यूम, और ये जो भी गैस होंगी उनका टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा सेम होगा, ओके, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, इसके बिना डिफिनेशन इसका अधूरा होता है, ओके। तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल जैसे H2 है, Cl2, H2 Cl2 के साथ कंबाइंड होता है तो 2HCl बनाता है, यानी एक वॉल्यूम H2 और एक वॉल्यूम Cl2 मिलके दो वॉल्यूम HCl बनाते हैं, ओके, तो इनका सिंपल रेशियो जो आएगा वो 1:1:2 आएगा इनके वॉल्यूम का, यानी ये क्या है, ये एक सिंपल रेशियो है, ओके। उसी तरह से हम देखते हैं कि जब दो वॉल्यूम का यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जब कंबाइंड होगा 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ओके, यानी इसका जो रेशियो हो जाएगा सिंपली 2:1:2 एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये था चौथा। द नेक्स्ट लॉ एंड द लास्ट लॉ इज एवोगाड्रोज लॉ। इन 1811 एवोगाड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कॉन्टेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी वॉल्यूम भी वॉल्यूम अगर इक्वल है मॉलिक्यूल्स का तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो इक्वल होंगे एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एग्जाम्पल जैसे Cl2 है, ये H2 से कंबाइंड कर रहा है, ओके, 2HCl प्रोड्यूस कर रहा है,
दिस इज एच सी एल, सी एल टू मान लेते हैं 10 cm³ है इसका वॉल्यूम, और इसका भी 10 cm³ है और ये 20 cm³। तो इस इन दोनों का वॉल्यूम क्या है, बराबर है 10 cm³ एंड 10 cm³। तो अगर वॉल्यूम दोनों का बराबर है तो सी एल टू का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो एच टू के बराबर होगा, और इसका वॉल्यूम क्या है, इसके डबल है, इससे इसका वॉल्यूम डबल है, तो इसका जो नंबर ऑफ मोल भी होगा वो डबल होगा। ओके, दूसरा एग्जांपल नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब इसमें मान लेते हैं 10 cm³, तो इसमें हो जाएगा 30 cm³। ओके, यहाँ पे 10 था, यहाँ 30 था, तो ऐसे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जैसे अमोनिया का दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो इसका कितना वॉल्यूम होगा। ओके, जैसे इसका 10 था, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 3 है तो 30, तो इसका हो जाएगा 20 cm³। इस लॉ का यूज ये है कि हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं दूसरे का। ओके, और नंबर ऑफ मोल, इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, तो इसमें 10, इसमें 30, यानी इसमें 20। ओके, तो ये था, ये पांचों लॉ थे जो कि केमिस्ट्री में केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं। ओके,